But it's a shocker from Rajasthan. A minor was allegedly raped by a policeman. The incident took place in Lalsot area of Dausa district, and the accused is a sub-inspector. The accused cop lured the minor girl into his room and then allegedly raped her. The incident has sparked widespread anger in this area, with locals gathering at the police station in large numbers. BJP MP Kirodi Lal Meena also rushed to the spot and met the family members of the victim's father has alleged that when he went to lodge complaint with the police, he was assaulted by the cops, leading to injury in his hands. मैं ड्यूटी करके आया था सर, 2 घंटे सो रहा था, बच्ची बाहर खेल रही थी, ASI के साथ कोई किराएदार रहता है, पता नहीं कौन है, उसको भी खुद को मालूम नहीं है, उसने मेरी बच्ची को बेला बुलाई बुला लिया, और उस साथ अमानवीय कृत्य किया है सर, बलात्कार किया उसका, और उसके साथ और भी पुलिसकर्मी थे। मैं गया तो सर ये देख लो, मेरे हाथ में लगी हुई, हाथ तोड़ दिया पुलिस वाले, मेरा धक्का दिया था, डंडे की मारी थी। The police has registered a rape case against the accused cop. He has been arrested. An investigation is on. Cops refused to share more details and said that this is a case of POXO. पुलिस कर्मी के खिलाफ 376 की FIR रजिस्टर हुई है, क्योंकि POXO एक्ट में दर्ज है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम दे नहीं पाएंगे। अभी इसकी जांच स्टार्ट कर दी गई है। This incident comes as it does in the middle of the poll season, and this has triggered a political war of words with the BJP training guns at Gehlot and Gandhi's BJP in particular questioning silence of Priyanka Gandhi. देखिए, हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उस मासूम बच्ची, जिसको 4 साल की बच्ची, उसके साथ इस प्रकार की घटना कोई भेड़िया ही कर सकता है। 5 वर्षों में ये घटनाएं क्यों बढ़ी और लगातार क्यों हो रही है? जब शासन और प्रशासन के लोग इस प्रकार की घटनाओं को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, तब ऐसे लोग अपराधी अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। जिस आदमी के ऊपर बेटियों की रक्षा की जिम्मेदारी है, सरकार से उस बात की तनख्वाह लेता है, वो व्यक्ति राजस्थान की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, और वो भी मासूम 4 साल की बच्ची के साथ। इससे दुर्भाग्यपूर्ण हो क्या सकता है? जैसी सरकार है वैसे ही उसके नुमाइंदे हैं, और जिन लोगों ने यहाँ रेप किया है, हमारी बिल्कुल स्पष्ट मांग है कि तुरंत उनको गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ केस चले और उनको सजा मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का वातावरण खड़ा कर दिया है, जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी है, राजस्थान आज दुखी है, स्तब्ध है कि उसके 4 साल की बेटी के साथ, जिसके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी थी, उस सब इंस्पेक्टर ने ही रेप कर दिया। These things are happening because Congress is actively protecting the balatkaris, the rapists and the apradhis. और मैं इसके लिए भी प्रमाण लेकर आया हूं। आज प्रियंका वाड्रा जी पता नहीं कहां हैं, घर में हो सकता है वो अपने परिवार के साथ शायद दिवाली मना रही होंगी। कुछ दिन पहले वो दौसा आई थी और तब भी मैंने उनसे पूछा था, आप दौसा आई हैं, आप रणथंभौर आती हैं, आप पर्यटन और सियासी पर्यटन करने आती हैं, पर आप जाएंगी उन बलात्कार के पीड़ितों से मिलने, उनके परिवारजनों से मिलने? विल यू कम हियर ओनली फॉर पॉलिटिकल टूरिज्म एंड फॉर टूरिज्म इन रणथंभौर, और विल यू गो एंड मीट द विक्टिम्स ऑफ दीज रेप्स? विल यू गो एंड मीट द सर्वाइवर्स? विल यू गो एंड मीट द फैमिलीज? वेलकम बैक। इनफैक्ट बिफोर वी गेट यू अनदर न्यूज ब्रेक, हियर्स the reaction of a Rajasthan minister who says the BJP is politicizing it for votes. Uski FIR darj hogi, uske khilaf mukadma darj hogi, uski giraftari hogi, uska nischit roop se medical wagera hogi, usko jo bhi kanun prakriya hai puri karke uska chalan kiya. Ghatna ke baad yadi peedit ne kis peedit ke sath kisi ne usko pratadit kiya hai to uske khilaf bhi karwai honi chahiye, chahe wo koi kyon na ho. फिर भी हमने कह दिया सारे थाने को ही लाने हाजिर करो, मुआवजा बनेगा, नियमानुसार मुआवजे की पेमेंट करेंगे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, एक्शन हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। अशोक गहलोत इज वेरी कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर, बट इफ रेप इज द सिंबल ऑफ जंगल राज, देन 1 BJP MLA इन उत्तर प्रदेश इज द बिहाइंड बार्स। हाउ कैन दे रिएक्ट अबाउट इट? And it is the same case, rape case, and he was arrested only after a long period when people came out on the streets to demand his arrest. One minister of state, Home Affairs, criminal cases are pending against him also.